आईसेक्ट कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बैकुंठपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आईसेक्ट कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बैकुंठपुर से आप सभी को फॉक्स प्रो के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं फॉक्स प्रो। डाटाबेस हैंडलिंग विद फॉक्स प्रो, ये हमारा सब्जेक्ट है जिसमें हम बेसिक्स देखेंगे फॉक्स प्रो में। देखिए जनरली क्या होता है कि जो फॉक्स प्रो होता है, फॉक्स प्रो बेसिकली डाटाबेस और प्रोग्रामिंग का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें बेसिकली आपको डाटाबेस भी मिलेगा और प्रोग्रामिंग भी मिलेगा, ठीक है। तो अगर हम इस डाटाबेस को देखें तो ये जो डाटाबेस है, बेस है, ये होता क्या है। डाटाबेस को समझने से पहले हमको सबसे पहले समझना होगा डाटा के बारे में कि डाटा क्या होता है। चलिए हम देखते हैं डाटा के बारे में। डाटा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी इंफॉर्मेशन और कॉल डेटा, किसी भी सूचना की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, डेटा कहलाती है। अब इसके आगे हम चलते हैं डेटाबेस के बारे में देखते हैं, ठीक है। अगर हम डेटा को थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करें, डेटाबेस को थोड़ी देर में देखते हैं। सबसे पहले डेटा को थोड़ी अच्छे से समझने की कोशिश करें तो हम ये देखते हैं कि जैसे ये एप्पल लिखा, इस एप्पल में हमको क्या दिख रहा है कि अपना कलेक्शन दिख रहा है, वर्ड्स का कलेक्शन दिख रहा है। तो अगर ये एक इंफॉर्मेशन है, इसको अगर हम छोटे छोटे भागों में तोड़ दें, मीन्स ए को अलग कर दें, बी को अलग कर दें, फिर बी को अलग कर दें, एल और ई ये अलग कर देते हैं। इस तरह से जब हम इनको अलग कर देते हैं तो ये जो एक छोटी सी यूनिट, जैसे ए हो गया या पी हो गया या एल हो गया या ई हो गया, इनको एक छोटी सी यूनिट, ये क्या कहलाती है, आपका डाटा कहलाता है, ठीक है, किसी भी डाटा कहलाती है। अब देखिए इस डाटा में हमको अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स के अलग अलग दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, आपका डाटा है। अब हम डाटा बेस के बारे में बात करें तो डाटा बेस क्या होता है, देखिए डाटा बेस बेसिकली डाटा का व्यवस्थित रूप से रखने की प्रक्रिया, मीन्स जो भी आपके पास डेटा है उस डेटा को व्यवस्थित रूप से रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, डेटा बेस कहलाती है। अब व्यवस्थित रूप से रखने की प्रक्रिया क्या क्या होता है कि अगर हम देखें, व्यवस्थित रूप से रखने की प्रक्रिया मीन्स उसको एक टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करके रखना, एक टेबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके रखना, जैसा हम यहाँ किया था। ये टेबल के फॉर्मेट से किसी भी चीज को समझना सबसे ज्यादा आसान हो जाता है डाटाबेस के अंतर्गत, ठीक है। अगर किसी डेटाबेस को हम एक्सप्लेन करना चाहें तो अगर हमको किसी डेटा को किसी को दिखाना है या फिर हम किसी को ये डेटा दिखाना चाहें, इसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं, तो एक टेबुलर फॉर्मेट जो होता है, एक टेबल का फॉर्मेट जो होता है, ये सबसे इजिएस्ट फॉर्मेट होता है जिसके अंतर्गत हम किसी डेटा को आसानी से समझा सकते हैं, और इसको समझाना भी आसान है, समझना भी आसान है। देखिए यहाँ आप देख रहे होंगे ये टेबल बनी हुई है जिसमें हमारा फील्ड नेम दिख रहे हैं, नेम दिख रहा है, एज दिख रहा है, एड्रेस दिख रहा है, ठीक है। देन इसके अंदर हमारा डाटा बनाते हैं ये, तो इनको हमने क्या किया है, व्यवस्थित रूप से रखा है। मीन्स अगर हम इसको देखें तो ये एक रखने का तरीका क्या है, एक व्यवस्थित तरीका है कि नाम के अंदर हमारे सिर्फ नाम की एंट्री होगी, एज के अंदर सिर्फ एज की एंट्री होगी, और एड्रेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ एड्रेस की एंट्री होगी। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि नेम के अंदर एज की एंट्री हो जाए या एज के अंदर नेम की एंट्री हो जाए, एड्रेस की जगह नेम रख दिया जाए या फिर एज की जगह में किसी का एड्रेस रख दिया जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता। इसीलिए क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है अपने आप में कि इसमें आसानी से इसको समझा जा सकता है, इसको बताया जा सकता है। ये बेसिकली हमारा टेबुलर फॉर्मेट होता है। अब टेबुलर फॉर्मेट के बाद हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे देखते हैं, ये जो डेटाबेस को हमने देखा, डेटाबेस जो कि DBMS के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं, जिसको कहा जाता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम।
अगर हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में देखें, अ सिस्टम विच कैन मैनेज योर डेटाबेस और कॉल्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मीन्स ऐसा तंत्र जो डेटाबेस को मैनेज करने का कार्य कर रहा है वो क्या कहलाता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। मीन्स अगर सिंपल से तरीके हम समझें कि अगर कोई टेबुलर फॉर्मेट बना हुआ है, इस टेबुलर फॉर्मेट को हम कंट्रोल कैसे कर रहे हैं, एक्सेस कैसे कर रहे हैं, मीन्स इसमें किसी डेटा को हम इंसर्ट कैसे कर रहे हैं, डिलीट कैसे कर रहे हैं, अपडेट कैसे कर रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों को मैनेज करने का काम डीबीएमएस करता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आगे चलते हैं तो इस टेबुलर फॉर्मेट की तरफ फिर से हम चलते हैं जिसमें हम कुछ चीज़ों को समझेंगे। इस टेबुलर फॉर्मेट में हमको रो और कॉलम्स दिख रहे हैं, हर रो को और हर कॉलम को अगर हम थोड़ी अच्छे से समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले हम देखते हैं इस टेबल की हेडिंग के बारे में, ये जो हेडिंग हमको दिख रही हैं इन हेडिंग्स के बारे में देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला ये जो टेबल्स की हेडिंग है, ये हेडिंग हमारी कहलाती हैं आपके फील्ड नेम, मीन्स नेम नाम का फील्ड नेम है, एज नाम का फील्ड नेम है, एड्रेस नाम का फील्ड नेम है, यही आइडेंटिफाई करते हैं कि इस टेबल में किस तरह का डेटा रखा जाना है। इस फील्ड नेम के आधार पर ही इनका निर्णय लिया जाता है कि इसको किस प्रकार से रखना है। तो ये जो फील्ड नेम है आपका, नेम नाम का, एज नाम का, एड्रेस नाम का फील्ड नेम है, जिसके अंतर्गत हमको क्या मिल रहा है, इनके डेटा दिख रहे हैं। ये देखिए ये डेटा दिख रहे हैं, ये अलग अलग हमको इनके डेटा दिख रहे हैं। ठीक है, अब ये फील्ड नेम हो गया तो इसको फील्ड, ये जो फील्ड है आपका प्रॉपरली, ये एक फील्ड है, दूसरा फील्ड है जिसको जनरली आप कॉलम के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है, कॉलम, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, ये रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो होती है। ठीक है, लेकिन फॉक्स प्रो में हम कॉलम को बोलते हैं फील्ड और कॉलम की हेडिंग को बोलते हैं हम फील्ड नेम, जैसा कि हम इस नेम को हमने क्या कहा, फील्ड नेम, और ये पूरा क्या है, हमारा फील्ड। जो हमारा रो होता है ये हमको दिख रहा है, रो को हम रो ना कह के, इस रो को हम रो ना कह के रिकॉर्ड कहते हैं, मीन्स इसको रो नहीं कहेंगे हम, इसको क्या कहेंगे, रिकॉर्ड कहेंगे, कि एक रिकॉर्ड है, दो रिकॉर्ड है, तीन रिकॉर्ड है, इस प्रकार से इसके रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, जब क्या होता है, डाटाबेस की बात हम कर रहे हैं तो डाटाबेस में बेसिकली क्या होता है कि जब इस तरह के रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, ठीक, तो क्या होता है कि आपका एक डाटाबेस का निर्माण होता है। अगर हम इसको बेसिकली स्टार्टिंग से देखें तो क्या होता है, कई फील्ड के मिलने से, कई देखिए कई फील्ड है, कई फील्ड के मिलने से रिकॉर्ड का निर्माण होता है। कई फील्ड मिले, एक दो तीन फील्ड मिले, इनके मिलने से क्या हुआ, एक रिकॉर्ड का निर्माण हुआ। ठीक है, और कई रिकॉर्ड के मिलने से, ये देखिए अलग अलग कई रिकॉर्ड हैं, ये रिकॉर्ड्स और ये रिकॉर्ड्स, इन रिकॉर्ड्स के मिलने से हमारा डाटाबेस का निर्माण होता है। तो ये एक तरीका होता है डाटाबेस को बनाने का, जैसा कि अभी हमने यहाँ देखा। तो अब हम क्या कर रहे थे, फील्ड नेम और रिकॉर्ड के बारे में बात कर रहे थे। फील्ड नेम हमारा, ये नेम नाम का फील्ड नेम है, एज नाम का फील्ड नेम है, और ये एड्रेस नाम का फील्ड नेम है। ठीक है, तो फील्ड नेम के अंदर जो रखे हुए हैं ये हमारे फील्ड हैं, ठीक, और ये जो रो हैं वो हमारे क्या है, रिकॉर्ड्स हैं। तो इस तरह से एक कंप्लीट डाटाबेस का निर्माण होता है। देखिए अब हम फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं, जो फील्ड नेम इनके दिए हुए हैं, इन फील्ड नेम के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर इन फील्ड नेम्स को हम देखें तो ये जो फील्ड नेम्स हैं इनको निर्धारित करना बहुत ज़रूरी है कि इनका निर्धारण किस तरह से किया जाएगा, कि ये फील्ड नेम की चौड़ाई क्या होगी, कितने कैरेक्टर्स लिखे जा सकते हैं, क्या हम इसमें स्पेस का प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं, इन सारी चीज़ों का निर्धारण करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम यहाँ देखें कि ये जो फील्ड नेम हमारा है, फील्ड नेम के निर्धारण में किन किन चीजों को ध्यान में रखना है, सबसे पहला जो ये फील्ड नेम है, इस फील्ड नेम की जो मैक्सिमम विड्थ है, मैक्सिमम चौड़ाई है, वो सिर्फ 10 कैरेक्टर्स की होनी चाहिए। मीन्स हमारा कोई भी फील्ड नेम है वो हमारा 10 कैरेक्टर्स के अंदर होना चाहिए, 10 कैरेक्टर्स से ज़्यादा का हम फील्ड नेम नहीं ले सकते हैं, ये इसकी खासियत होती है। अगर हम 10 कैरेक्टर से ज़्यादा का फील्ड नेम लेने की कोशिश करेंगे तो हमारा वहीं हमारा क्या हो जाएगा, रुक जाएगा ये फील्ड नेम, ठीक है, उसके आगे हम इसको नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट दूसरी चीज़
सेकंड होता है फील्ड नेम में किसी प्रकार के स्पेस का प्रयोग नहीं किया जा सकता। अगर हम चाहें कि हम इस तरह से कुछ स्टूडेंट नेम लिखना चाहें तो ये हम नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ हमारा स्पेस का प्रयोग किया जा रहा है। अगर हम स्पेस का प्रयोग करके लिखने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि स्पेस इसमें काम नहीं करता है। अगर हमको दो वर्ड्स को सेपरेट करना है तो सेपरेट करने के लिए हम अंडरस्कोर का यूज करते हैं, अंडरस्कोर का यूज करते हैं। अंडरस्कोर का यूज कैसे कर सकते हैं? जैसे कोई स्टूडेंट नेम है तो हम इस तरह से, ये कुछ इस तरह से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं बेसिकली। ये एक साधारण सा तरीका होता है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, किसी भी फील्ड नेम का निर्धारण करते समय हमको फील्ड नेम का प्रथम जो पहला अक्षर है वो कैरेक्टर लिखना होगा, ना कि कोई न्यूमेरिक नंबर। हम बेसिकली क्या करेंगे कि हमको अगर किसी भी फील्ड का नाम लिखना है तो हम पहला कैरेक्टर उसमें, पहला कैरेक्टर हम उसको कैरेक्टर ही लेंगे, अल्फाबेट ही लेंगे। इसके अलावा अगर हम उसके बाद हमको अगर किसी नंबर की आवश्यकता तो नंबर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पहला अल्फाबेट ही होगा, देन उसके बाद हम किसी न्यूमेरिक नंबर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कई बार आप लोगों ने देखा होगा मैथ्स होता है तो M1 लिखा जाता है, M2 लिखा जाता है, तो ये लिखना लीगल है, ठीक है। लेकिन अगर इसके अलावा हम इसमें कोशिश करें कि 1M मतलब मैथ्स 1 मैथ्स लिखें, ठीक है, तो ये इस तरह से लिखना ये पूरी तरह से इलीगल है। इस तरह से हम कभी भी किसी भी फील्ड के नाम का निर्धारण नहीं कर सकते हैं। तो ये बेसिक कुछ चीजें होती हैं जिनको हमको ध्यान रखना होता है किसी फील्ड नेम के अंतर्गत, ठीक है।